सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश करीब 8 महीने पहले ही रची गई थी। नवंबर से मूसेवाला को मारने का प्लान बनाया जा रहा था। यह खुलासा लॉरेंस ने पूछताछ के दौरान किया। उसने बताया कि बीते करीब 7 से 8 महीने से वे अपने गुर्गों के जरिए मूसेवाला को लेकर लगातार प्लान बना रहा है। कभी उसकी सुरक्षा को लेकर साजिश पूरी नहीं हो पाती तो कभी गुर्गे की तैयारी ही अधूरी रह जाती। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का शाहरुख नाम का एक गैंगस्टर गुर्गा उसे मारने के लिए गया भी था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी देखकर वह वारदात को अंजाम नहीं दे पाया था और मूसेवाला को मारने का प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। उधर दिल्ली पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार भी कर लिया तो पूछताछ में सनसनीखेज प्लान का खुलासा हुआ। उसने पूछताछ में कुल 8 संदिग्ध नामों का खुलासा किया जिन पर उसने हथियारों की मदद करने का शक जताया। इसमें पंजाबी सिंगर से जुड़ा एक शख्स भी शामिल है। हालांकि इसके बाद हत्या की दोबारा साजिश को लेकर जो खिचड़ी पकी उसके बारे में एजेंसियों को कोई भनक नहीं लगी और लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर महाकाल नेटवर्क के गुर्गे को इस काम के लिए तैयार कर लिया और वारदात को अंजाम दे दिया। बिश्नोई से पूछताछ में महाकाल नेटवर्क की एंट्री का पता चला और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन पुणे पुलिस ने उसे दबोच लिया। स्पेशल सेल ने अब तक 15 से की पूछताछ। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस की स्पेशल सेल ने मूसेवाला हत्याकांड के साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत उसके नेटवर्क से जुड़े अब तक करीब 15 लोगों से पूछताछ की है। वहीं मुख्य शूटर समेत फरार आरोपियों की तलाश में NCR, पंजाब, राजस्थान और मुंबई में छापेमारी कर रही है।